हेलो एवरीवन, बहुत बार ये मैंने देखा कि लोग अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के लिए डिक्शनरी का सहारा लेते हैं। उनको किसी ने बताया होगा कि आप डिक्शनरी से एक वर्ड डेली सीखो तो इससे आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि नो की इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके वोकैबुलरी इम्प्रूव हुई है, बट लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए और डिक्शनरी का क्या पर्पस है। डिक्शनरी आपकी वोकैबुलरी को एक्सपैंड करने का टूल नहीं है। आप अगर डिक्शनरी रटना स्टार्ट भी कर दें, और मान लीजिए आपका पर्पस डिक्शनरी को रटना ही है, डिक्शनरी में जो एटलीस्ट जो एडवांस डिक्शनरी है उसमें जो वर्ड्स हैं उसमें से 90% वर्ड्स कॉमन नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज ही नहीं होते। तो अगर आप अपने दिमाग की हार्ड डिस्क को उन वर्ड्स को स्टोर करने में खर्च कर देंगे जिनका यूज ही नहीं करेंगे आप कभी भी, और अगर आप करेंगे भी तो किसी को समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। तो आपको बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, आपको वो वोकैबुलरी यूज करनी है जो आपकी एक्टिव वोकैबुलरी में आए और जिसको लोग समझ सकें। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको आप ये मत सोच, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी और किसी भी लैंग्वेज में ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो होते तो हैं लेकिन आप उनको बोलते नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको बोलने के लिए। आप वो सब सारे वर्ड्स सीख के क्या करेंगे? मतलब आप क्या इस, अगर आपको इस बात का गर्व मनाना है कि मुझे डिक्शनरी याद हो गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अगर आपको वाकई अपनी वोकैबुलरी एक्सपैंड करनी है, वो वोकैबुलरी जो आप एक्टिवली यूज करेंगे लोगों से डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बात करने से, तो ये डिक्शनरी से रट लेना और एक एक वर्ड डेली का याद करना, इट वॉन्ट सॉल्व एनी पर्पस। डिक्शनरी इज देयर फॉर यू टू टेल द मीनिंग ऑफ अ वर्ड दैट यू एनकाउंटर सम प्लेस एल्स, नॉट इन द डिक्शनरी। आपने उसको कहीं देखा, आप कुछ पढ़ रहे थे, कोई आर्टिकल पढ़ रहे थे, कोई बुक पढ़ रहे थे, कोई मूवी देख रहे थे, यू एनकाउंटर्ड अ वर्ड विच वॉज स्ट्रेंज टू यू एंड देन यू लुक्ड इट अप, देन यू सर्च फॉर इट इन डिक्शनरी। दैट्स हाउ अ डिक्शनरी शुड बी यूज्ड। डिक्शनरी से रैंडमली कोई पेज खोल के एक वर्ड देख लेना और उसको दिन भर रटते रहना और ये आशा करना कि आप साल के एंड में 365 वर्ड याद रख पाएंगे, उनके प्रोनंसिएशन, उनका यूसेज, आई वुड विश यू लक फॉर दैट। It's difficult and I think it's a useless activity too at the same time. Dictionary is not your source basically for finding the words that you have to learn. Your source is normal day-to-day text that is being used everywhere. In newspapers, jo bhasha aa rahi hai usme, koi magazine aap padh rahe hain, usme koi words aapko dikh rahe hain, those are the words which you're encountering on a day-to-day basis. Koi teacher aapke yahan koi class mein word bolta hai, koi movie mein, koi series aap dekh rahe hain, usme koi word aapko mila. That is the word that you should look for in a dictionary, right? And if you get those words which surround you on a day-to-day basis, then you can understand the word around you. Aapko wo sare words jo dictionary mein hai wo janne ki zarurat nahi. So don't be overwhelmed by this fact ki ek dictionary hai, itni moti si koi book hai, usme itne sare words hain, mujhe unke sabke meaning jab tak nahi pata honge, till that time I cannot get by, tab tak mujhe samajh mein nahi aayega ki main language samajh nahi paunga. Aapko kisi bhi language ke sare words याद रख पाना, जो भी आपकी मदर टंग भी है उसके भी आपको सारे वर्ड्स नहीं पता, तब भी आप बहुत आराम से बहुत अच्छे से बात भी कर रहे हो, सबकी बात में समझ भी रहे हो। तो उस लिहाज से आप देखिए अपने आप को, उस चीज़ को समझिए कि डिक्शनरी इज नॉट द प्लेस टू फाइंड वर्ड्स, इट इज़ द प्लेस टू लुक अप फॉर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, राइट? सो आई होप इट हेल्प्स एंड आई होप यू यूज डिक्शनरी जुडिशली एंड ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।